रावण के मंदिर में आज राम भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। खुशी है, बहुत खुशी है। रावण और राम का मंदिर एक करें। एक मंदिर भारत में है ये, जो रावण की पूजा की जाती है, जिसकी आरती भी होती है, उसका स्नान भी कराया जाता है, उसके नाम से हवन भी किया जाता है। और अब शायद यही इकलौता मंदिर है जहाँ रावण और राम दोनों की पूजा, दोनों एक जगह हो गए। रावण तो हमारे बाबा है, तो हम जय रावण के नारे तो लगाएंगे। दोनों की एक साथ जो है ना, भगवान जो है ना, दोनों की एक साथ पूजा होगी। पहले रावण की होगी, फिर राम की होगी। अच्छा, पहले रावण की होगी? हाँ। ऐसा क्यों? वो ब्रह्म है, ब्रह्म भगवान है। अच्छा। हाँ, एक ब्रह्म भगवान होता है। आप लोग दशहरा नहीं मनाते? नहीं 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 मनाते। हमारे गाँव यहाँ का उनकी जन्म भूमि है रावण की, तो इसलिए हमारा दशहरा नहीं मनता। एक ही मंदिर में रावण और राम दोनों की पूजा होगी? हाँ जी, दोनों की पूजा होगी। यही इच्छा थी, ये इच्छा पूरी हो गई हमारी। जय रावण की। रावण की तो सबसे पहले जय है। भगवान राम की। भगवान रावण की। भगवान रावण। रावण भी हमारे भगवान हैं, हम भी उनके वंशज हैं। हम उनके वंशज हैं और हमारे भगवान ही हैं रावण। नोएडा का बिसरख गांव, ये गांव बेहद खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये है रावण का गाँव। जी हाँ, वही रावण जो लंका का राजा था और जिसने माता सीता का हरण किया था। 22 तारीख को जब अयोध्या में राम लल्ला अपनी भव्य मंदिर में विराजमान हुए, ठीक उसी दिन और शायद उसी वक्त रावण के इस अनोखे मंदिर में राम दरबार स्थापित किया गया। मेरी समझ में शायद ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर एक तरफ रावण की पूजा होती है और दूसरी तरफ अब से भगवान श्री राम की भी पूजा होगी। आइए आज आपको ये गांव दिखाते हैं और ये जो मंदिर है वो दिखाते हैं। जो यहाँ पर राम जी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जा रही है, तो मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया गया, इतने दिन के बाद क्यों? जैसे कि अब अयोध्या में राम मूर्ति रखी जा रही है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सभी और मंदिरों में भी रखी जा रही है, तो इसलिए यहाँ के लोगों ने भी, जो यहाँ के महाराज हैं, उन्होंने भी सोचा कि मतलब हम भी अपने मंदिर में राम मूर्ति रखवाएं, तो इसी उससे रखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले जो ये मंदिर है, यहाँ पर कोई भी भगवान राम की मूर्ति नहीं थी? नहीं थी। और कोई जो गांव में मंदिर है उसमें है राम दरबार या भगवान श्री राम की मूर्ति? नहीं नहीं, पहले नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, मतलब आज ही रखी जा रही है। हाँ। फिलहाल अब हमें तो यहीं का पता है। हाँ। कि यहाँ पे राम मूर्ति रखी जा रही है और सुबह से हम भी उनकी सेवा में हाजिर थे। जैसे उनको नहलाया है तो नहलाया भी है हमने, नहलवाया भी है, सीता माता को भी नहलवाया है, तो उन्हें तैयार भी किया है, उनका श्रृंगार वगैरह किया है। तो मतलब पहली बार यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति हो गया, पहली बार आए यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर इस मंदिर में। जय रावण की। भगवान रावण की। इस वक्त मैं हूँ बिसरख गांव के फेमस रावण के मंदिर में और यहाँ मेरे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी। तो पंडित जी, आप कब से इस मंदिर में हैं? नमस्कार, मुझे यहाँ पर लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं, 20 साल से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, 20 साल से, 20 साल से। तो मुझे इस पहले तो इस मंदिर के बारे में समझाइए, क्या खासियत है, कैसे इसका नाम पड़ा कि ये रावण का मंदिर है? ये रावण की जन्म स्थली है। अच्छा। ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है जो रावण के बाबा थे, यानी ग्रैंडफादर थे, और यहीं पर विशेष रोवा का भी जन्म हुआ जो रावण के पिता श्री थे। पूजा यहीं उन्होंने की है और उसके बाद फिर रावण का भी जन्म यहीं हुआ। रावण के सभी भाई, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, सूपनखा है, इन सभी का जन्म यहीं पर हुआ है। बाल्यावस्था उनकी यहीं व्यतीत हुई है। अच्छा जी हाँ, सब इसी जगह पर, इसी शिवलिंग पर की है। अच्छा, इसी शिवलिंग? हाँ जी हाँ, इसी में। जो ये शिवलिंग इतनी पुरानी है? हाँ, हमारा अंदाज है कि अगर देखो, अगर वर्ष जोड़ा जाए तो आपको मालूम है संवत
सन ईस्वी शताब्दी ये विक्रमादित्य ने चालू की है जो कलयुग में थे। और इससे पहले तो चलता था माया कैलेंडर, तो माया कैलेंडर को ना तो हम पढ़ पाते ना कोई भी पढ़ पाया आज तक, तो इसलिए इसका एकमात्र काल्पनिक तौर से गणना की गई है कि लाखों वर्ष, मगर एक प्रमाणित नहीं, प्रमाणित नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर जो अध्ययन के अनुसार जो मुझे मिला है तो ये धरती का पहला मंदिर है। अच्छा, और मतलब जो आप बता रहे हैं कि ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण ने जिसकी आराधना की थी, पूजा की, रावण ने की, रावण के पिताजी ने की, इतनी पुरानी है, और उनके बाबा ने भी की इसी पर। अच्छा जी हाँ, और रावण ने 28,000 वर्ष तो राज किया। ये मैं पीछे भी देख रही हूँ, ये आप थोड़ा दिखाएंगे, ये जो बना हुआ है ये रावण की मूर्तियां यहाँ पर बनी है, पूरा वंश है उसका। अच्छा, पूरा रावण की फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है। ये ब्रह्मा जी है। अच्छा, ब्रह्मा जी, इनके एक मानस पुत्र हुए जिनको आज मानस पुत्र कहते हैं, ओरिजिनल इसको कहते हैं शिष्य, ब्रह्मा जी के शिष्य, वो थे महर्षि पुलस्त्य। महर्षि पुलस्त्य की पत्नी हवीर बुवाह थी जो महाराजा दक्ष की लड़की थी, उनसे पैदा हुए महाराज विश्वेश्वरवा, महर्षि विश्वेश्वरवा पैदा हुए। इनकी पत्नी दो थी, एक केतकी थी एक इडविला थी, इडविला से कुबेर पैदा हुआ और केतकी से ये वंश चला। ये केतकी है, ये रावण। अच्छा, ये देखो रावण बना हुआ है, ये अपना शीश काट के चढ़ा रहा है, और ये जो अंदर शिवलिंग है ना उसको दर्शाया, ये जो अंदर शिवलिंग है उसको दर्शाया, वो शिवलिंग को दर्शाया गया है। अच्छा, क्योंकि ये मंदिर इतना रावण के ही इर्द गिर्द है, रावण ने उस शिवलिंग पर पूजा करी, तो मुझे गाँव के बारे में बताइए कि यहाँ पर भगवान राम को किस तरीके से लोग देखते हैं। देखो, रावण को अपना आदर्श और पूर्वज मानते हैं और राम को परमात्मा, तो यहाँ राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है। लेकिन इस तरीके से कोई राम जी का मंदिर है इस गांव में? हमारे यहाँ ही प्राण प्रतिष्ठा आज ही हो रही है। आज हो रही है? आज हो रही है। तो इसके पहले मतलब क्यों नहीं भगवान राम की? ऐसा है, देखो जैसी जनता की मांग होती है ना, वैसे आज भी बाजू है कई एक मंदिर जिसमें राम की प्रतिमाएं हैं, समझे, जो लोगों ने मांग की है तो राम की प्रतिमा लगाएंगे। और हम लोग भी रावण की भी पूजा करते हैं, राम की भी करते हैं। रावण की पूजा मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा जी, मैं करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये आप थोड़ा समझाइए कि इतने सालों तक नहीं किसी ने सोचा कि यहाँ पर भगवान राम का दरबार भी होना चाहिए, अब अचानक से कैसे? वक्त से पहले, भाग्य से अधिक कभी प्राप्त नहीं होता, जब उसका वक्त आया तो उसका काम हुआ। तो ये जो यहाँ पर अब भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, इस मूर्ति के बारे में बताइए क्या खासियत है? देखो, हमने केवल एक चीज को दर्शाया है कि एक सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों पहलू एक साथ चलते हैं। जहाँ रावण की प्रतिमा है, जहाँ राम की प्रतिमा है, हम एक साथ एकत्रित रखेंगे, जैसे अच्छाई और बुराई का फर्क महसूस कर सके आदमी, जो अच्छाई और बुराई का फर्क महसूस कर लेगा वो अपने आप को सुधर जाएगा। इसलिए हम विशेष करके रावण और राम का मंदिर एक करेंगे। और जो हमारी आज की जो प्रतिज्ञा है कि आज 22 तारीख कोई क्यों करेंगे, तो इसका एक हमारा गणित था कि हमारे भारत में सनातन में 18 पुराण है और 4 वेद हैं, तो दोनों की संख्या कितनी हो गई? 22। तो हम 22 जनवरी को ही करेंगे। अच्छा, इस वजह से आप लोगों ने 22 तारीख, शायद इसी वजह से कहीं अयोध्या में भी तो 22 तारीख को नहीं किया गया। छांटा है ना, उसका कारण यही है, 22 तारीख का कारण यही है कि हमारे देश में 18 पुराण और 4 वेद, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों संख्या 22 होगी। अच्छा, जो ये मूर्ति है, मूर्ति की क्या खासियत है? इसे कहीं बाहर से लाया गया है? जयपुर से। अच्छा, हमारा प्लान चल रहा था करीब करीब 6 महीने से, मूर्तियाँ आ चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब प्रभु का निवास अयोध्या में हो रहा है तो क्यों ना हम उसी समय करें, मुहूर्त भी अच्छा है, अभिजीत मुहूर्त है, और दूसरा हमारे गणित के हिसाब से भी उचित है, तो इसलिए हमने वो ही दिन निश्चित कर।
अयोध्या में जब भूमि पूजन हुआ था तब भी इस मंदिर से कुछ भेजा गया था वहाँ मिट्टी, यहाँ से मिट्टी। अच्छा, हमारे संत लोग भी गए उस समय, हमारे संत लोग भी गए। हमारे यहाँ का एक आश्रम है ना अयोध्या में। अच्छा अच्छा, मंदिर में और कौन कौन सी मूर्तियाँ, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये रावण के पिताश्री हैं, महर्षि विश्वेश्वरा, उनका ये मूर्ति है, नीचे लिखा भी है देखो। है और कोई ऐसा मंदिर है भारत में जहाँ पर रावण के पिताजी की भी मूर्ति हो? नहीं, पहला मंदिर है जी, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ये आज की बनी हुई नहीं है, हजारों वर्ष हो चुके इनको। गौरी शंकर का परिवार है, पूरा परिवार है, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी। तो ये कहाँ से आई है ये मूर्ति? ये मूर्तियाँ यहाँ पहले मिली हमको, जब हम यहाँ आए। अच्छा, यहाँ पर मिली थी ये मूर्तियाँ? मान लीजिए क्षेत्र नहीं, पूरा कुछ ना कुछ निकलता है। अच्छा, निकलता रहता है यहाँ पर पुराना? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने ही लोग मकान वकान बनाते हैं ना, तो उनकी जड़ों में कुछ ना कुछ निकलता रहता है। जैसे क्या क्या? कुछ मूर्तियाँ निकलती हैं, कुछ छोटी सी मूर्तियाँ, कहीं कलश का हिस्सा मिल रहा है, कई मूर्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन चक्कर क्या है वो अगर उन्होंने सावधानी से निकाल लिया तो साबित निकलती है, नहीं तो खंडित हो जाता, खंडित हो जाएगी। सिक्के वगैरह भी मैंने सुना था निकलते हैं। देखो हमारे समय में तो अभी किसी को किसी की सूचना नहीं, अगर किसी को मिल भी गए होंगे तो हमको बताएगा कौन? हाँ, ये बात है। हमको कौन बताएगा? हाँ, मिल भी गए होंगे, यहाँ पर काफ़ी गड़ी अड़ी वगैरह थी तो लोगों को मिले होंगे, तो वो तो चुपचाप रख लेगा भाई, हमको नहीं बताएगा। नहीं, ये मूर्ति भी काफी अलग है, ऐसी मूर्ति मैंने पहले कहीं देखी। दो जगह है, दो जगह, दूसरी कहाँ है? एक हमारे यहाँ और एक बटेश्वर में है, आगरा के। आगरा में है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। रावण का ये गांव आज तक रावण के इस अनोखे मंदिर के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब इस मंदिर में स्थापित हो चुके हैं राम दरबार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस पूरी वीडियो के बारे में। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे है अनंत, आप देख रहे हैं स्विच।